Unit bomb blue. इसे आप FBI की सबसे बड़ी नाकामी कह लो या एक जीनियस का सातिर दिमाग, जिसने लगातार 17 सालों तक FBI के 150 से ज्यादा डिटेक्टिव्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स की नींद हराम कर रखी थी। ये अमरीकी इतिहास का सबसे महंगा और लंबे वक्त तक चलने वाला इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन किसने सोचा था इस केस को एक आम इंसान सॉल्व कर देगा? मैं चाहूंगा आप इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है यूनि बॉम्बर की, एक सीरियल बॉम्बर जो अपने विक्टिम्स को पार्सल में बम बेचता था। यूनि बॉम्बर ने ज्यादातर एयरलाइन इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज को अपना टारगेट बनाया था, इस वजह से FBI ने उसे यूनि बॉम्बर नाम दिया। 25 मई 1978 को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग में एक पार्सल भेजा गया। ये एक बेनामी पार्सल था जिसे एक प्रोफेसर के लिए भेजा गया था। प्रोफेसर को ये पार्सल संदेहजनक लगा। उन्होंने फौरन ही गार्ड को तलब किया। गार्ड ने पार्सल खोलते वक्त यूं ही मजाक में कहा, क्या पता इसमें बम भी हो सकता है। ये कहते हुए जैसे ही पार्सल को खोला गया, एक धमाका हुआ। इस धमाके से गार्ड के हाथ जल चुके थे। इंजरी ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन ये तो 17 सालों तक चलने वाले एक खूनी खेल की शुरुआत थी। इस घटना के एक साल बाद उसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब में एक और पार्सल भेजा गया। इस बार एक रिसर्च स्टूडेंट को इस धमाके से मामूली चोट आई। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें यह किसी नौसिखिए का मजाक लगा। महज 6 महीनों के भीतर एक बेहद ही गंभीर घटना सामने आई। 15 नवंबर 1979 को यूनाइटेड एयरलाइन की एक फ्लाइट 72 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर के साथ शिकागो से वाशिंगटन DC जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही वक्त बाद जब फ्लाइट बीच आसमान में थी, तो उसी वक्त प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में एक ब्लास्ट हुआ। पूरा प्लेन धुएं से भरने लगा। प्लेन को फौरन ही नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सभी यात्री सुरक्षित थे। खुशकिस्मती से एक फॉल्टी वायर की वजह से बम पूरी तरह से फट नहीं पाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इस केस को FBI को सौंप दिया गया। एक्सपर्ट्स बम की डिजाइन देखकर दंग रह गए। इस बम को इस तरह बनाया गया था जिससे प्लेन जैसे ही एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता, हवा के दबाव में हो रहे बदलाव से डेटोनेटर एक्टिव हो जाता। FBI जल्द ही समझ गई कि वे एक बेहद इंटेलिजेंट अपराधी का पीछा कर रहे थे। फौरन ही एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। इस टीम में FBI के सबसे तेज तरार एजेंट्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स शामिल थे। वो पार्सल को भेजने के लिए US पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था। उस दौर में आने वाले हर पार्सल की जांच करना एक नामुमकिन काम था। FBI की सबसे बड़ी मुश्किल इन बॉम्बिंग्स के पीछे के मोटिव को समझना था। एक्सपर्ट्स सीरियल किलर होने की थियरी को नकार चुके थे, क्योंकि एक सीरियल किलर अपने विक्टिम को अपने सामने तड़पता हुआ देखना पसंद करता है। 1982 में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को भेजे हुए बम से पहली बार FBI को एक क्लू मिला। इस बार एक कागज छोड़ा गया था जिसमें लिखा था, वो ये काम करता है, मैंने बोला था RV। FBI ने RV इनिशियल वाले 10,000 से ज्यादा लोगों को चुनकर उन सब से पूछताछ की। अमेरिका के इतिहास के सबसे महंगे इन्वेस्टिगेशन की ये तो बस शुरुआत थी। फरवरी 1987 तक वो 12 पार्सल भेज चुका था। इन बॉम्बिंग्स में अब तक 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके थे और एक विक्टिम की जान भी चली गई थी। वक्त के साथ इन धमाकों की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ रही थी और बम की डिजाइन और भी ज्यादा पेचीदा हो रही थी। 1987 में एक कंप्यूटर स्टोर पर हुए हमले में पहली बार FBI को एक बेहद अहम कामयाबी मिली। स्टोर में काम कर रही एक कर्मचारी ने
यूनिबॉम्बर को पार्सल छोड़ते हुए देख लिया। फौरन ही यूनिबॉम्बर का स्केच बनाया गया और इसे हर जगह फैला दिया गया, लेकिन इससे कोई भी सफलता न मिली क्योंकि वो अपना हुलिया बदल कर आया था। स्केच के पब्लिश होने के बाद अचानक से सारी बॉम्बिंग्स रुक गई। लोग ये कयास लगाने लगे कि शायद वो मर चुका है या किसी और जुर्म के लिए जेल चला गया। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद 1993 में यूनिबॉम्बर एक बार फिर से एक्टिव हुआ। इस बार वो पहले से ज्यादा घातक और बेरहम था। 1995 तक वो 4 और लोगों को अपना टारगेट बना चुका था, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के साथ साथ प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ लेटर्स भी भेजे गए। इन लेटर्स में एक संगठन एप्सी ने इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी ली। वो FBI के इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित करने के लिए इन लेटर्स में बहुत से क्लू छोड़ देता। इन क्लूज का पीछा करते हुए FBI ने अब तक 15,000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट बना ली थी, लेकिन यूनिबॉम्बर का कोई भी निशान मिल नहीं रहा था। 1995 में उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को भेजे लेटर में अपने संगठन के उद्देश्यों को जाहिर किया और उसने आम जनता के लिए एक खास संदेश भेजने का वादा किया। महज 2 महीनों के बाद यूनिबॉम्बर ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी वाला एक लेटर भेजा। इसी दिन वॉशिंगटन पोस्ट और 2 अन्य न्यूज एजेंसियों को 56 पेज लंबे एक मैनिफेस्टो को भेजा गया। इन लेटर्स के साथ यूनिबॉम्बर ने अपनी शर्तें रखी। अगर उसकी डिमांड्स के मुताबिक इस मैनिफेस्टो को पब्लिश किया गया तो वो सारी बॉम्बिंग्स रोक देगा। 16 साल के थका देने वाले इन्वेस्टिगेशन, 24 विक्टिम्स और 3 लोगों की मौत के बाद FBI ने आखिरकार ये फैसला लिया कि यूनिबॉम्बर की डिमांड्स को मान लिया जाए। 19 सितंबर 1995 को वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के स्पेशल सेक्शन में इस मैनिफेस्टो को पब्लिश किया गया। इस मैनिफेस्टो का टाइटल था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर। इस मैनिफेस्टो में यूनिबॉम्बर ने आम लोगों के लिए अपना संदेश छोड़ा था। इस संदेश में 5 मुख्य विचार थे। नंबर 1, टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ प्रभाव आने वाले समय में एक ऐसी सिस्टम बना देगा जो इंसानी नियंत्रण से बाहर होगी। नंबर 2, इंसान अपने शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से खो देगा। नंबर 3, औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता प्रकृति और मानवता के विनाश का कारण बनेंगे। नंबर 4, इंसान टेक्नोलॉजी से बनने वाले इस सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। इस तबाही को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी तख्तापलट की आवश्यकता है। नंबर 5, वामपंथी विचारधारा भविष्य में आने वाले विनाश से ध्यान भटकाने का काम करती है। यूनिबॉम्बर के लिए अपनी विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी कामयाबी थी। उसने वादे के मुताबिक सारी बॉम्बिंग्स को रोकने का फैसला लिया। उसने FBI को मात दे दी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ही उसके अरेस्ट का कारण बनी। जब न्यूज़पेपर्स में यूनिबॉम्बर मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ तो उसे पढ़कर एक आम इंसान डेविड कजिंस्की की नींद हराम हो चुकी थी। डेविड को कई साल पहले ऐसे ही विचारधारा वाले लेटर्स भेजे गए थे। डेविड ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव का सहारा लेकर उस लेटर भेजने वाले पर जासूसी करवाई। इसके बाद कुछ अरसे तक सोचने के बाद आखिर डेविड ने फैसला लिया कि वो इसके बारे में FBI को बताएगा। डेविड के लिए ये बेहद ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि उन्हें शक था कि ये सीरियल बम्बर कोई और नहीं, उनका भाई टेड कजिंस्की था। टेड कजिंस्की बचपन से एक होनहार स्टूडेंट था जिसने अमरीका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके पास PhD की डिग्री थी और वो गणित का प्रोफेसर रह चुका था। बेहद ही इंटेलिजेंट होने के साथ वो काफी एंटी सोशल भी था। वो पिछले 26 सालों से इंसानी बस्ती से दूर जंगल से करीब एक लकड़ी के कैबिन में रहता था। यहाँ न तो इलेक्ट्रिसिटी थी और न ही पानी। उसने अपने आप को आधुनिकता और टेक्नोलॉजी से दूर कर रखा था। FBI ने यूनिबॉम्बर मैनिफेस्टो और डेविड को भेजे गए लेटर्स की समानता को परखने के लिए एक्सपर्ट से जांच करवाई। आखिरकार शक के बिना पर 3 अप्रैल 1996 को FBI एजेंट्स ने फॉरेस्ट गार्ड बनकर टेड कजिंस्की को अरेस्ट कर लिया। कैबिन से टाइपराइटर, ढेर सारी राइटिंग्स और बम बनाने के लिए जरूरी कुछ सामान बरामद हुए। डेविड का शक सही निकला, टेड कजिंस्की ही यूनिबॉम्बर था। 22 जनवरी 1998 को
टेट कजिंस्की को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसमें कोई शक नहीं कि टेट कजिंस्की एक बेरहम हत्यारा था, लेकिन मेरा मानना है इसके मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। आधुनिकता और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें एक ऐसा गुलाम बना रही है जिसमें हम अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और नेचुरल एबिलिटीज को खो रहे हैं। हम ज्यादा सोचते नहीं, हम चीजों पर गौर नहीं फरमाते। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।